हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपको बताना है कि सरफेस टेंशन के एसआई यूनिट क्या होते हैं। तो जो सरफेस टेंशन है इसके एसआई यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन पर मीटर। अब यदि हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में सरफेस टेंशन के यूनिट होते हैं डायन पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथीन। तो आपसे पूछा गया है कि जो इथीन है इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की। तो ओवरलैपिंग के बेस पर जो कोवलेंट बॉन्ड है दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपके एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होते हैं और इसे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और जनरली जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी तरफ जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो आपके एंड टू एंड ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं और जो पाई बॉन्ड्स हैं आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। तो जो आपकी इथीन है इसका फार्मूला होता है C2H4। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। और हमने अभी बात की थी कि जितने भी जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो आपका सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये और एक ये और एक ये। तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें डबल बॉन्ड में तो यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी इथीन है यहाँ पर आपके 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C5 कि जो आपका इथीन है यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं और यदि कहीं पर डबल बॉन्ड हो तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है और यदि कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये तीन चीजें याद रखनी है और इजिली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोक्साइड इज। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आयन आपका CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आयन की। तो आयन ऐसी कोई भी स्पीसीज या फिर एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिन पर की कोई चार्ज हो। और जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। और ऐसे आयन जिन पर की पॉजिटिव चार्ज हो हम उन्हें केटायन कहते हैं और ऐसे आयन जिन पर की नेगेटिव चार्ज हो उन्हें हम एनायन कहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो केटायन है आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं और जो आपके एनायन है आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब किसी स्पीसीज एटम या मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होंगे, आपके एनायन होंगे और वहां पर क्या होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और यदि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब कि वो केटायन है और वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और इसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि यहाँ पर आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ऐसी स्पीसीज हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर जिस आयन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके कार्बन मोनोक्साइड के बराबर होंगे वो आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन मोनोक्साइड यानी जो CO है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके 14 है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा आयन है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है CN नेगेटिव साइनाइड आयन। तो जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाइट्रोजन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है तो मतलब कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो हम +1 करेंगे, ठीक है, हम ऐड करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब कि ये क्या है, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यदि हम इन और ऑप्शंस को भी चेक करें तो अब हम O2 नेगेटिव को देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है तो हम एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 हो गए। यदि हम N2 पॉजिटिव को देखें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 13 हैं और यदि हम O2 पॉजिटिव को देखें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 15 हैं।
इसका सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए कि जो आपका साइनाइड आयन है या आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आपसे पूछा गया है कि जो KMnO4 है यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का हमारा सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन्स में जो भी एटम्स हैं हम उन सबको उनका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो जो आपका पोटेशियम है इसका ऑक्सीडेशन होता है +1 और मैग्नीज का हमें निकालना है तो हम उसको एक्स मान देंगे और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है -2। तो हम इनको ये वैल्यू असाइन कर देंगे और इन्हें असाइन करने के बाद अब हम उनको ऐड कर देंगे क्योंकि जो रूल है क्या बोलता है, ये रूल बोलता है दैट द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी मॉलिक्यूल और आयन मस्ट इक्वल द चार्ज ऑन स्पीसीज। तो यहाँ पर ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है तो मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो हम इसको लिखेंगे 1 + x - 2 × 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है तो हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम सबको इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एक्स है इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो आपका मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7 कि जो आपका मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कि जो आपका क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो आपको बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है आपका फ्लोरीन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो एक्सरे है ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो हम जानते हैं कि जो एक्सरेज हैं ये रॉन्टजन के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रॉन्टजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो विजिबल रीजन है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जहाँ पर आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी चैडविक। और जो थॉमसन है इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, थॉमसन को जाता है। और जो एटम में जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। और जो आपके जॉन डाल्टन है इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो आपसे पूछा गया है कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप में इनमें से क्या होता है। तो आइसोटोप पर हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आपको याद रखना है कि ये सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। और आपको याद रखना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपके आइसोटोप्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी डिफरेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। तो हमने इस पर पहले भी बात की है कि इस चीज को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इवेपोरेशन।
इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन, और जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, और जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, और जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन, और जब कोई सॉलिड डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, और जब कोई गैस डायरेक्टली आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। तो आपसे पूछा गया है कि जो साउंड की लाउडनेस है इसे कौन सी चीज डिटरमाइन करती है। तो हमारे पास साउंड की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। जो आपका साउंड की लाउडनेस है या आपकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड। इसी के साथ आपको याद रखना है दैट लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। और आपको याद रखना है दैट लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, कि हम जो लाउडनेस है इसे हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके जो यूनिट है वो क्या है, आपके डेसिबल है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है या आपकी श्रिलनेस, मतलब कि जो साउंड की पिच है, इसको डिटरमाइन करती है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो आपकी पिच है इस चीज को कौन सी चीज डिटरमाइन करती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी साउंड की पिच को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस फ्यूल की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। तो अब हम कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यूज को देख लेते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर किलोग्राम। तो जो आपका काउडंग केक है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000 तक, जो आपकी वुड है इसकी 17000 से 22000 तक, कोल की 25000 से 33000, पेट्रोल की 45000, केरोसिन की 45000, मीथेन और सीएनजी की 50000, एलपीजी की 55000, बायोगैस की 35000 टू 40000, और हाइड्रोजन की 1,50,000। तो इनमें से जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है वो है आपका पेट्रोल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो किस चीज को प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपकी रस्टिंग को प्रिवेंट करती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रस्टिंग। अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो जब भी हम किसी मेटल की लेयर को किसी दूसरे मटेरियल पर डिपॉजिट करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कार पार्ट्स पर, बार टैप्स पर, किचन गैस बर्नर पर क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ। तो आपको बताना है कि किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो जो वाटर है इसकी डेंसिटी मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।